लगातार जोशीले नारे असं देख रहे हैं, जोशीले नारे लग रहे हैं इस किसान अंदोलन के। सो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इधर आके जरा दिखाओ कवर कीता जाए। वकीलों का एक भाईचारा है, वकील लोग भी लगातार काले कानूनों के विरोध में आ चुके हैं। सो वकील भाईचारा आ चुका है। हाँ कोई बोलेगा जी? जी 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 बताइए सर, आप कहाँ से हो कि आप वकीलों की तरफ से? हम लोग लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के साथी हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए हैं। हम लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो मोदी सरकार है, जो इनका काला कानून है, ये वापस लिया जाना चाहिए। हम जैसा कि बता देना चाहते हैं, ये सरकार अपने तरीके से, तानाशाही तरीके से, बिना किसानों को बताते हुए ये कानून को लेके आती है। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, जो एमएसपी की मांग है, इसको बिल्कुल इसको बरकरार रखा जाए, ये गुमराह ना करा जाए और बिल्कुल साफ सीधी तरीके से बताया जाए। किसानों का आंदोलन, जो मजदूरों का आंदोलन है, उसको हम बिल्कुल समर्थन करते हैं और आगे आने वाले समय में जिस भी तरीके का लीगली कानूनी तौर पर जो भी हम इन पर कोई अत्याचार होता है, यातनाएं होती हैं, उसके लिए हम लोग मजबूती से इनको साथ देंगे। सिर्फ आखिरी सवाल, एक जैसे जो हमारा अफगा वकील हो, भारत का एक लोकतांत्रिक संविधान है, इस तरह के लगातार कानून जो गवर्नमेंट ला रही है, हमारे डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उस पर कैसे रिफ्लेक्ट करती है ये बातें? देखिए, ये सवाल ये है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस देश की जो अभी हुकूमत चल रही है, हम जैसा कि जानते हैं, ना इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, ना इसी देश की डेमोक्रेसी पर भरोसा है। ये लोग डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए आए हैं और हम वकील साथी ये बता देना चाहते हैं, 1947 से लेकर आज तक जो वकीलों ने, जो किसानों ने, मजदूरों ने मिलजुल कर इस देश की, अंग्रेजों की जो गुलामी के साथ आज़ादी ली, तो ऐसे वैसे ही आज हम लोग यहाँ पर इनकी जो गुलामी चाहते हैं कि हम लोग गुलाम बन जाएं, उससे हम आज़ादी की बात करते हैं। और हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, और जिस तरीके की इनकी तानाशाही है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लगातार वकील भी असं देख रहे हैं नाल खड़े हुए ने, लोकतंत्र नु बचाने की गल कर रहे ने। जी सर, की नाम था? जी सर प्लीज। ये जितने भी लोग अपोज कर रहे हैं ना, उनको बोलो यहाँ पर खड़े हो जाएं एक बार आके, तो उनकी समस्या दूर हो जाएगी सोचने की। वो अपने आप कहेंगे जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, हम गलत हैं। उनको भेजो एक बार यहाँ पे। अच्छा जी, थैंक यू। लेकिन ये तानाशाही सरकारी है, ये किसी ने नहीं है। एक कंटिन्यू, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक का जो है मामला, जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, लगातार जनता के विरोध, जनता के खिलाफ ऐसी सी कानूने बना रहे हैं जो हमारा मिडिल क्लास, मजदूर, किसान सबको पीस रहा है। मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की इसको लड़ें। अभी कई कानून बनी, जैसे काके विरुद्ध हुई, मजदूर एक्ट पे बनी, अभी किसान के ऊपर कानून नहीं, सब किसान विरोधी है। लोकतंत्र को बचाने में लॉ में कई सारे वकीलों का अलग अलग देशों में योगदान रहा है। सभी ने सभी वकील मिलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। किसान के विरुद्ध कानून बना है और जो हमारे अन्नदाता है उसके खिलाफ ये कानून बना है, इसलिए हम लोग इसके शुक्रिया सर, मेहरबानी।